आज हल्के बहादुरपुरे का पैदल दौरे के दौरान यहाँ की आवाम का जोश व खरोश देखकर इस बात का एहसास हो रहा है कि हम अपने फन की बुलंदी से काम ले लेंगे, हमें मुकाम न दो हम मुकाम ले लेंगे। उसी के मुद्दात आज बहादुरपुरे की आवाम में जो जोश व खरोश पाया जा रहा है, इस बात का सबूत है कि आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वजीर आला तेलंगाना रियासत जिस हुस्न खूबी से अपने स्कीमों को इम्प्लीमेंट किया, खुसूसन उम्र रसीदा खवातीन को हजरात को पेंशन दिया, माजरीन को पेंशन दिया और शादी मुबारक की स्कीम दिए और बेघर अफराद को घर दिया, ये तमाम स्कीमों के बाद 24 घंटे लाइट पानी की सप्लाई, साथ के साथ अमन व अमान शहर हैदराबाद में बिना फसादात के 10 साल गुजारना, ये तमाम चीज़ों को देखकर अवाम ये कह रही है कि हम अपने फन की बुलंदी से काम ले लेंगे, हमें मुकाम ना दो हम मुकाम ले लेंगे। इसके लिए हम चाहते हैं, हमेशा केसीआर साहब ने कहा अपने अवाम से, मैं पहली मर्तबा जब तेलंगाना का आंदोलन शुरू करे थे आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, उस वक्त कहा था मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। उसी के मिजाक आज लास्ट टाइम के ऊपर जो सेकंड पोजीशन पे आने वाली बीआरएस आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले पोजीशन पे आने के लिए तैयार है। इसके लिए मैं तमाम आवाम से गुजारिश करूँगा कि आप 30 तारीख के दिन अपना कीमती वोट बिना किसी उज्र आली के, बिना किसी रुकावट के, अपना वोट को अपना हक समझकर आप जाकर तीन नंबर पर कार के निशान पर आप वोट दबाइए और वो बटन दबाकर सबूत दीजिए कि केसीआर साहब हम आपकी तरक्की के साथ है, हम आपके काम के साथ है, हम आपके डेवलपमेंट के साथ है, हम आपके अमन व अमान के साथ है, ये चीज़ आप बताइए। आज शहर हैदराबाद में जिस तरीके के माहौल बन रहा है, कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे, बीजेपी कह रही कि हम आएंगे, तो ये इनके लिए कह दीजिए कि वो शहर, ये शहर दानिशमंदों का शहर है, ये बहादुरपुरा जो है ये बहादुरों का शहर है, तो इसके लिए ये इलाका बहादुरपुरे के बहादुर आवाम से मेरी गुजारिश है कि कार के निशान को आप 3 तारीख को बटन दबाकर इस बात का सबूत दें कि हम बहादुरी से अपना कैंडिडेट बदल सकते हैं और हकदार को उसका हक दे सकते हैं, यही कहना है। और अपना कलेक्टर ये इधर से करना है।